किसानों का काजू जो है मंडी में पहुंच चुका है। बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों को रोजगार मिल रहा है। अलग अलग जगह से जमींदार आए हुए हैं। यहाँ पर आप ढेरिया देख सकते हैं काजू। मैं किसे कह रही हूँ, जो आप ये मूंगफली देख पा रहे हैं जिसे हम सर्दियों में खाना बहुत पसंद करते हैं, आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार ये आती कहाँ से है। आपको बता दूँ सबसे पहले तो जो मूंगफली है उसका हब माना जाता है हिसार। जी हाँ, हिसार के अंदर जो है सारी की सारी मूंगफली आती है। चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मूंगफली ही मूंगफली दिखाई देगी। इस तरीके से जो है गाड़ी में लोड होकर के आती है और यहाँ से निकालने का काम किया जाता है। उसके बाद इसकी छटनी होती है। उसके बाद आगे का प्रोसेस किस तरीके का रहता है वो अनाज मंडी के प्रधान केड़िया जी से जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ये मूंगफली आती है, कहाँ कहाँ से आती है और कहाँ कहाँ ये सप्लाई होती है। सबसे पहले तो मैं सी डी बिग न्यूज का आभारी हूँ। मैं बार बार यही कहता हूँ, हिंदुस्तान का क्या वर्ल्ड का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, जो कि सत्यता प्रकट करते हैं। ये बहन जी मूंगफली आती है 99% राजस्थान से। राजस्थान से कुछ तो जमींदार लोग लेके आते हैं और कुछ राजस्थान से व्यापारी लोग लेके आते हैं। हिसार आज अनाज मंडी, हिसार की मूंगफली की बहुत बड़ी एशिया की मंडी बन चुकी है। यहाँ मूंगफली का दाना भी निकलता है। यहाँ से बाहर यूपी, पंजाब, हिमाचल में मूंगफलियाँ जाती है। तो व्यापारी आते हैं, जमींदार आते हैं, जिनको पड़ता लगता है, किसानों का व्यापार चलता है। आपके सामने लेबर लगी हुई है। सबसे पहले तो काम होता है मूंगफली की डेरी आने के बाद उनको दाना दाना चुगा जाता है। अच्छा। और हजारों लेबरों को आज काम मिला हुआ है, लेडीज जेंट्स बड़े बड़े जो 18 साल से बड़े हैं उनसे हम काम करवाते हैं। ये देखो आपके सामने लगा हुआ है। ये लगभग कितनी आती है और कितना लेबर लगाया जाता है यहाँ? यहाँ मेरे हिसाब से तो 500-400 लेबर को काम डेली मिलता है। अच्छा। चुगाई का काम होता है, एक दिन में सारी मूंगफली का चुगाई करते हैं। फिर यहाँ ऑक्शन होती है, ऑप्शन होके सभी जमींदारों की मूंगफली बेची जाती है। बाहर से व्यापारी आते हैं, वो ऑक्शन लगा करके मूंगफली को खरीदते हैं। अच्छा, तो जो ये मूंगफली है वो आगे कहाँ कहाँ जाती है? ये राजस्थान से आती है, पंजाब, हिमाचल, यूपी और मेरे ध्यान में तो ऐसा आता है नेपाल तक जाती है। अच्छा। नेपाल बॉर्डर तक जाती है, यानी कि दूसरी कंट्रीज के अंदर भी ये जाती है? बिल्कुल, गोरखपुर के जरिए नेपाल तक जाती है। गोरखपुर इंडिया के अंदर है, बॉर्डर है नेपाल का, वहाँ से जगह जगह से नेपाल तक जाती है। इसको भूनने का प्रोसेस भी यहाँ लगा हुआ है, मूंगफली का दाना निकालने का प्रोसेस यहाँ लगा हुआ है। जमींदार आता है, व्यापारी आता है, किसान आता है, इनको देखो आपके सामने लेडीजों को काम मिलता है, मार्केट फीस आती है, अनाज मंडी के अंदर सभी व्यापारियों को दाम ही मिलती है। लगभग क्या जो ये चुगने वाले हैं वो हर बार चेंज होते हैं, प्रतिदिन चेंज होते हैं? नहीं, इनका ठेका होता है। अच्छा। ये एक डेयरी का ठेका दे दिया इनको, जैसे जी भी 50 रुपया कुंटल, 100 रुपया कुंटल ठेका दे दिया जी। ये एक बंदा लगाए, चार लगाए, पांच लगाए, एक डेयरी को बढ़िया तरीके से बना करके व्यापारी को दे देगा। व्यापारी बोली में भाव लगाएगा और अपने ले जाएगा, वहां जाके आगे भूनने का काम। अब सर्दी पड़ेगी, सर्दी होने बाद इसकी बिक्री होगी। और एक नई बात और होती है, इसकी गज्जक बनती है, मेन गज्जक जो कि इंडिया के अंदर मशहूर है गज्जक। तो ये जो मूंगफली है वो यहाँ कितने रेट के ऊपर खरीदी जाती है और आगे कितने रेट के ऊपर बेची जाती है? देखो, जहाँ तक मेरे का अनुमान है 4,000 से लेकर 5,000 तक मूंगफली बिकती है यहाँ। व्यापारियों को पड़ता लगता है, जमींदार को पड़ता लगता है, जब इतने दिन दूर से आते हैं। बहन जी, हिसार आज एशिया की पहले नंबर की मंडी बनी हुई है मूंगफली के लिए। और क्या पड़ता है, 2.5% दामी बनती है, 100 रुपया चुगाई का लग जाता है, मार्केट फीस लग जाती है, 500 रुपया GST लग जाती है। व्यापारी आगे ले जाने वाला 50-100 रुपये कुंटल कितना दूर जाके कमाता है, ये देखने वाले को लगता है। खर्चा जोड़ा जाए तो जैसे कोई ज़्यादा इनकम नहीं है। 4,000 से 5,000 तक जितनी क्वालिटी मूंगफली की है उसी हिसाब से एक बढ़िया चुगाई की मूंगफली बोलते हैं, वो 5,500 भी बिक जाती है। ये जो मूंगफली होती है इसका पौधा किस तरीके का होता है, थोड़ा सा आगे चलेंगे बताएंगे आप? ये मूंगफली को हम बीज को जमीन के अंदर गाड़ते हैं। अच्छा। जमीन के अंदर गाड़ने से उसके नीचे सैकड़ों मूंगफलियाँ लग जाती है। अच्छा। और किसान उनको निकाल के अपनी सुखा करके साफ कर करके मंडी में लाते हैं। जैसे ये देखो तिनका है,
इसके ऊपर लगती है, इसकी चुगाई हो रही है। ये ऐसे गाड़ियों में आती है, राजस्थान से आती है, यहाँ बिकती है, रोजगार मिलता है, मार्केट फीस मिलती है, जीएसटी मिलती है। यानी कि मूंगफली की अगर बात करें तो ये रेतीले जगह के ऊपर उगती है? नहीं, रेतीले वाले तो कोई बात नहीं है, जो बढ़िया जमीन होती है राजस्थान के अंदर, सारी बढ़िया जमीन है, बारिश अच्छी होती है जमीन के अंदर। क्यों, राजस्थान तो है ही रेतीला एरिया, सबको पता है। अरे अगर जमीन कर रही होगी तो मूंगफली नहीं उगेगी। रेतीला टोटल राजस्थान एरिया, पाकिस्तान बॉर्डर तक लग जाता है। और आज देखो हिसार में आ रही है, आदमपुर भी जा रही है। क्यों, आदमपुर के अंदर भी 2-3 फैक्ट्रियां लग गई, यहाँ गज्जक बनती है, फैक्ट्रियां लगी हुई है, बुनाई होती है। तो इसकी जो खेती है वो किस मौसम के अंदर होती है? अब ये अक्टूबर में अब आएगी, अक्टूबर नवंबर, दिवाली और आगे वो संक्रांति तक इसका मौसम चलता है। अच्छा, चलिए थोड़े और जमींदार यहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो कहाँ से आए, आप कहाँ से आए हैं? मैं बहलवान नगर से आया हूँ, नंगली सलेदी सिंह से। मूंगफली बोने में बहुत खर्चा लगता है, पहले बीज महंगा बीज लाते हैं और फिर इसकी बिजाई करते हैं, उसमें दवाई भी पहले देनी पड़ती है, फिर ट्रैक्टर वाले को देते हैं, प्लाव निकलवाते हैं, एक बीघा का 300 रुपये वो लेता है, 150 रुपये फिर और वगैरह मराते हैं, और 150 रुपये फिर कल्टी मराते हैं, और 200 रुपये बिजाई के लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर पर किलो की बात करें, 2 क्विंटल अगर पैदा होती है तो उसमें कुछ नहीं बचता है, 2 क्विंटल से ऊपर तो मूंगफली बिगा की निकलेगी, उसमें वो ऊपर की बचत है, 2 क्विंटल का हमारे खर्चा हो जाता है। तो सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पर जो है इस साल मूंगफली 40 रुपए प्रति किलो जो है खरीदी जा रही है और आगे 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है, कि इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो तो क्या है, इनके खर्चा बहुत हो जाता है। अच्छा। और जमींदार यहाँ लेके आ जाता है जी। तो वो वापस तो लेके जाएगा नहीं जी। तो उसको जो भी भाव यहाँ मंडी का मिलेगा वो मजबूरी है उसकी, वो लेके जाएगा। अच्छा, क्यों? तो इस साल का इस साल के जो रेट की बात करें तो कम है या ज्यादा है पिछले सालों से? देखो खर्चे के हिसाब से कम है, खर्चे के हिसाब से। हाँ, दवाई का और किराए भाड़े का बहुत खर्चा, 5,000 तो कम से कम 4,500 किराए देते हैं, टूल टैक्स भी लगता है और आदमी मजदूरी भी लगती है। इसको जब मूंगफली को उपड़ाते हैं तो वो भी ट्रैक्टर से उपड़ाते हैं। अच्छा। निकलवाते हैं ट्रैक्टर से, जमीन में रह जाते हैं, उसको भी ट्रैक्टर से छनवाते हैं और फिर बाद में यहाँ जमींदार लेके आता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर एक और जमींदार हमारे साथ मौजूद है, एक बार इनसे जान लेते हैं, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान नौहर तहसील से। नौहर तहसील से कब आए थे? सुबह ही आए थे। सुबह ही आए हैं, तो कितने क्विंटल आप मूंगफली लेकर आए हैं? लगभग 30 क्विंटल। 30 क्विंटल, कितना जो आपको फायदा हो जाता है 30 क्विंटल के अंदर? फायदा अच्छा हो जाता है, नोहर से यहाँ महंगी बिकती है मूंगफली, नोहर तो मंडी है लेकिन वहाँ से यहाँ महंगी मिलती है। अच्छा, तो जो आपकी ये मूंगफली है वो आप प्राइवेट बेच रहे हैं या सरकारी रेटों के ऊपर बेच रहे हैं? नहीं, प्राइवेट बेच रहे हैं। प्राइवेट बेच रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं खरीद रही? सरकार कोई टॉप की क्वालिटी खरीदती है, बाकी तो खरीदती नहीं है। अच्छा, तो यानी कि टॉप की क्वालिटी पता कैसे चलती है मूंगफली में? आपसे पूछना चाहेंगे कि टॉप की क्वालिटी पता कैसे चलती है? आपने एक सवाल किया इनसे जी, सरकार क्यों नहीं खरीद रही? अब राजीव गांधी देखो पंजाब से ट्रैक्टर पे चढ़ के जा रहा है, अब किसान राजस्थान का, राजस्थान में सरकार किसकी है, किसकी सरकार है भैया बोलिए? नो, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। क्या मैं राजीव गांधी से पूछना चाहूंगा वो जमींदारों का मसीहा बनना चाहता है? नहीं, उसको बीजेपी के खिलाफ करने का मतलब है, अध्यादेश के खिलाफ बोलने का मतलब है। अध्यादेश के अंदर किसानों को कोई नुकसान नहीं है। क्या राजस्थान का किसान आज यहाँ रहा है? क्यों इनकी सरकारी रेट पे मूंगफली क्यों नहीं बिका रहा? हरियाणा के अंदर एक नारा है, आपके सामने घूम लो, बाजरे का दाना दाना, मूंग का दाना दाना, सरसों का दाना दाना, गेहूं का दाना दाना, मक्की का दाना दाना, जीरी का दाना दाना, हमारी सरकार बीजेपी सरकार हरियाणा सरकार खरीद रही है। क्या राजीव गांधी जाने का कष्ट करेंगे राजस्थान में, या वैसे ट्रैक्टर की सवारी करके अपने नंबर बनाएगा देश के अंदर? उसको तो ये नहीं पता। आप राहुल गांधी की बात? राहुल गांधी सॉरी, उसको तो ये नहीं पता ये मूंगफली जमीन में होती है, उसके पौधे के लगती है। अरे भैया ये मूंगफली है, टमाटर नहीं है। अरे पहले सीख फिर पता कर, राजस्थान में कल से सरकारी खरीद शुरू करा, फिर मानेंगे बीबी किसानों को। सरकार कितने रेटों के ऊपर खरीद रही है और जो यहाँ पर प्राइवेट रेट है वो क्या चल रहे हैं? मेरे हिसाब से तो सरकारी रेट इसका 5,850 रुपया है, यहाँ 4,000 से 5,000 तक बिकती है। किसानों का कम से कम, अगर
हरियाणा के अंदर मूंगफली नहीं होती मैडम, 5-4% होती है। बाहरी किसान अगर यहाँ रजिस्टर्ड कराएंगे मूंगफली को तो हमारी सरकार भी खरीद लेगी, परंतु ये करा नहीं सकते। इन्होंने राजस्थान में मूंगफली अपनी रजिस्टर्ड कराए, फिर पता लगे ना राहुल गांधी को भी क्या ट्रैक्टर पे घूमना होता है, कैसे MSP देनी होती है, किसानों को गुमराह ना करे। आज हमारी सारे हरियाणा के अंदर ट्रैक्टर रैली चल रही है, किसानों को हम समझा रहे हैं, ये किसान भाई खड़े हैं, इससे हमारा तो यहाँ कारोबार चल रहा है, अनाज मंडी के अंदर मार्केट फीस GST व्यापारी को आदत बन रही है, कितनी लेबर को काम मिल रही है, जमींदार को चाहिए वो राजस्थान के अंदर उनको बोले अपनी सरकार को सरकारी खरीद करे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारी खरीद राजस्थान में कितनी और हरियाणा में कितनी है? राजस्थान में कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। अच्छा, और ये मूंगफली यहाँ आकर 4,000 से 5,000 बिकती है और राजस्थान में 2700 से लेकर 3500 रुपए में रह जाती है। वहाँ 2700 से 3500 तक बिकती है और यहाँ पर 4000 से 5000 तक के बीच में बिकती है। तो इस बार जो है खरीद आपकी 4000 से 5000 के बीच में हो रही है या फिर और सालों के मुकाबले कम है? राजस्थान में तो कम है, यहाँ पर हरियाणा में यहाँ तो ठीक है, चल रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ और जो है लेबर काम कर रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनको प्रतिदिन का कितना रुपए मिलता है चुगने का। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है चुगाई का काम पूर्ण रूप से जारी है। मूंगफली के अंदर जो इसके पेड़ों की तनी रह जाती है उसको हटाया जाता है या फिर गली सड़ी जो मूंगफलियाँ होती हैं वो भी उठाई जाती हैं। एक बार जान लेते हैं आप कहाँ से आई हैं? बताइए कलाम कितना पता है नीलम वहाँ भी जा रही थी दीदी उसके पास जा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि ये लोग कहाँ से आते हैं और इनको कितना जो रुपया है वो मिलता है। हम तो आदर्श नगर पर। आदर्श नगर से कहाँ पर पड़ता है? हिसार में ही। हिसार में ही। हिसार में पड़ता है। आपको प्रतिदिन का कितना मिल जाता है यहाँ? हम तो जी आज ही आए हैं, देखो जी कितने पड़ेंगे। अच्छा, तो आपका रेट पहले डिसाइड नहीं होता? ना तो। अच्छा, एक ढेरी का कितना देते हैं? को आप कितने समय के अंदर चुग लेती हैं? समय तो जी नू है जी, कई बार शाम भी हो जाए कई बार जी जल्दी भी चुगी जाओ तो जी कूड़ा का हिसाब हुआ है, जिस तरह डीकड़े किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो। अच्छा, हाँ। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ जी मिलगेट हिसार से। अच्छा, विनोद नगर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आप यहाँ पर आज ही आई है या फिर कई समय से काम कर रही हैं? नहीं, वैसे तो कई साल से ही काम कर रहे हैं, अभी 3 दिन से आई। अच्छा, 3 दिन से है। तो जो जो रोजगार है वो कितने लंबे समय तक यहाँ पर आपको मिल जाता है? यहाँ पे मिल जाता है, सुबह आते हैं 7 बजे और 7 बजे आके हमारे को कोई छोटी ढेरी मिल जाती है, कभी बड़ी मिल जाती है। आपको प्रतिदिन का कितना मिलता है चुगने का? यही 350 हो जाता है। 350 और कितना जो 3-4 महीने है लगातार आप चुगाई का काम करती हैं? 3-4 महीने चुगाई का काम चलेगा। अच्छा, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है तकरीबन 400 से 500 लोगों को रोजाना रोजगार मिल जाता है। चुगाई का काम जो है लगातार जारी रहने वाला है, अभी 3-4 महीने के अंदर इनको प्रतिदिन के एक ढेरी के 350 से 400 रुपए मिल जाते हैं। और ये किसानों का काजू जो है, किसानों को तो रेट पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इनको जो है रोजगार जरूर मिल जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो राजस्थान से। तो सर एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान से आने के बाद ये जो मूंगफली है वो जाती कहाँ है आगे? ये बताया मैंने आपको, पंजाब, UP, गुजरात से तो आती है, ये पंजाब, UP, नेपाल बॉर्डर तक जाती है और UP में ज्यादा जाती है, बिहार में ज्यादा जाती है। तो जो इसके रेट रहते हैं वो किस तरीके के रहते हैं जब आगे स्टेट्स के अंदर आप बेचते हैं? ये 60-70 रुपए किलो भून के बिकती है आगे होलसेल में। अच्छा। अब ये चुगाई हो जाएगी, इसके बाद इसकी बुनाई होगी, बुनाई होने के बाद कम से कम 10% इसमें घटती आ जाएगी, सूख जाएगी, भूनने के बाद आगे जाती है भाड़ा लग के, ये किलो 2 रुपए 50-100 रुपए कुंटल का धंधा होता है। तो ये किसानों से आड़ती कितने रुपए में खरीदते हैं और आड़ती आगे कितने में बेचते हैं? आड़ती नहीं खरीदते,
बाहर के व्यापारी आते हैं, या ऑक्शन होती है। अच्छा। अभी ऑक्शन होगी, ऑक्शन पे मार्केट कमेटी ऑक्शन कराती है, ऑक्शन पे बिकती है। तो ऑक्शन के अंदर जो है सारी एक ही रेट के ऊपर बिकती है या फिर माल के हिसाब से बिकती है? ये माल माल का फर्क है। अच्छा। 4000 जैसे आपने देखा था मूंगफली हल्की है, 4000 बिक जाती है। अच्छा। किसानों ने आपको बताया 2 पैसे का पड़ता लगता है। ये जितने मजदूर है ये मैं देख रहा हूँ यूपी बिहार के जाते हैं, यहाँ सेक्टर 14 में और में झोपड़िया बनी हुई है, ये घरों के अंदर काम करती है। मंथली 3000 रुपये मिलते हैं, इनको 100 रुपया पड़ता है, यहाँ ये 300 से 350 रुपया कमा लेती है। ये 2 महीने का इनका काम है। तो 2 महीने के काम के अंतर्गत जो है इनको 350 से 400 रुपए का प्रतिदिन का रोजगार यहाँ पर मिल जाता है। ये थे किसानों की मूंगफली। आगे आपको इसी तरीके की स्टोरी से रूबरू करवाती रहूंगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, आगे से आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चले कि हिसार जो है मूंगफली का हब बन चुका है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट से मूंगफली जाती है और राजस्थान से यहाँ पर व्यापारी और जमींदार जो है खरीदने और बेचने के लिए आते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, कैमरामैन संजय कुमार के साथ सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।